अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि ठीक होंगे। हाजिर है आपका भाई उमर चौधरी फिर एक नए ब्लॉग के साथ। तो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि इसका नाम हमने मलका रखा हुआ है, तो आज हमने कुछ सोचा, कुछ नया किया जाए ब्लॉग में। तो आज हमने दोस्तों यूँ किया है कि आज हमने ना आपको विजिट कराना है एक फार्म। मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे इन्वाइट किया हुआ एक फार्म पर। तो आज मैं इंशाल्लाह उधर जाने लगा अभी। तो आपको अब मलका तो आप भी देख देख के ज़रा कह रहे होंगे कि मलका बहुत नोटी है। तो आप कुछ और शेयरों से बैज मिलाता हूँ मैं, जिसमें डिफरेंट तरह के लाइंस होंगे, ठीक है? तो आज मैं आपको वो लेकर जाऊँ के पास। गाइस तो चलते हैं, आ जाएँ। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं फार्म पर, जिधर हमने दोस्तों इन्वाइट किया हुआ था। ये करीब ही है, तकरीबन इतना ज़्यादा दूर नहीं है अपने घर से, ठीक है? तो मैं आ गया हूँ। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। आज मैंने आपसे प्रॉमिस किया ना, मैं प्रॉमिस तो नहीं किया पर आपको कहा ज़रूर है कि आज आपको डिफरेंट टाइप्स के लाइंस दिखाता हूँ मैं। तो गाइस आ जाए, तो हम आपको फार्म भी मैं साथ विजिट करवाता हूँ, साथ में आपको दिखाता हूँ कि लाइंस डिफरेंट तरह के मेरे दोस्त के फार्म पर हैं। आ जाए गाइस, चलते हैं। मैं जॉन था, वो बहुत अच्छा था। उसकी तो सिटिंग की और थी ना, बहुत कमाल की चीज़ थी वो। फिर थोड़ी देर रखा है मैंने, सेल कर दिया। जैसे आपने नहीं बोला घर का शौक था, फिर थोड़ी देर रखा, फिर बड़ा हुआ तो बेच दिया। मैंने पहले सेम आपकी तरह की है, फिर मैंने कहा यार क्या सेल परचेज, सेल परचेज, सेल परचेज, काम में लगे रहो। असल में ना जी दोस्तों, तो मैं आपको बोला था हम आपको फार्म विजिट करवाएंगे। तो दोस्तों माशाल्लाह खूबसूरती देखें, अल्लाह की नेचुरली खूबसूरती है ये है। तो पीकू को देखें माशाल्लाह, आपने फूल कितना खूबसूरत लग रहा है। हेलो बेबी, माशाल्लाह पार्क में देखें कितनी खूबसूरती बनाई हुई है। और ये खूबसूरती हमें देखें, हम अल्लाह की कैसे खूबसूरती का मतलब कि अल्लाह की नियमतों का शुक्र अदा करें। माशाल्लाह ये बहुत बहुत खूबसूरत लग रहा है। हेलो, मुझे लगता है ये शायद हमसे डर कर इसलिए पीछे की तरफ चला गया। और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, देखिए मैंने आपको बोला था जहाँ हम आपको बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें दिखाएंगे, ठीक है? देखिए कितनी ब्यूटीफुल चीज़ है ये भी। हेलो, तो गाइस चलते हैं हम अपने नेक्स्ट मिशन की तरफ, तो फिर आपको और चीज़ें दिखाते हैं। चले आप जी दोस्तों, तो अब आपको मैंने फार्म विजिट कराना था, तो साथ में चलते हैं। ये है माशाल्लाह डियर, अगर आपको मेरे भाई जूम करके दिखाएंगे तो डियर लास्ट पर चली गई, शायद ये डर गई हमसे इसलिए पीछे चली गई है। तो गाइस आज आगे चलते हैं, अगर मजीद फार्म आपको विजिट करवाते जाते हैं हम, ताकि आप बोर ना और आप इंजॉय करते रहें। तो आते गए मेरे पास, ये देखिए ये भी डीजन के पास माशाल्लाह, ये भी खूबसूरत है। आगे मेरा ख्याल है उनके पास एक बेबी कप भी है डीजन का, ये जी गाइस मेरे पास, मैं आपको बोला था ना वो भी एक अंदर एक और है, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ, वो देखें आगे वो उस तरफ है। ये हमारे कहने पर कभी भी बाहर नहीं आएगी। तो अब हम चलते हैं अपने मेन चीज़ की तरफ, जो मैं आपको बोला हुआ था। तो ये देखें माशाल्लाह भाई के पास काफ़ी अच्छा है, मतलब इनके पास बाग हैं काफ़ी सारे खूबसूरत बाग हैं। तो चले चलते हैं गाइस आगे दोस्तों। जी दोस्तों, तो अब हम आगे हैं फार्म में विज़िट करते करते, आपको विज़िट करवाते करवाते। ये माशाल्लाह रैबिट्स हैं, अच्छा रैबिट्स भी बहुत खूबसूरत हैं होते हैं। ये देखें ना, नीचे नीचे सुरंगे बना लेते हैं, सुरंगों के बीच में ले जाते रहते हैं। और देखें कितना खेलते हैं रैबिट्स, लगता है उनको ना बेबीज़ भी दिए हुए हैं, तो वो अपनी मस्ती में कर रहे हैं। तो हम आगे चलते हैं, हम आगे मजीद फार्म को विज़िट करते हैं। तो दोस्तों आते जाएँ, इधर भी आ जाएँ माशाल्लाह, ये भी खूबसूरत है। इधर मुझे डरता है ये डक है पीछे, ये भी बहुत खूबसूरत है। इतना तो दोस्तों हम आगे चलते हैं मजीद, अब आपको मैं लाता हूँ लाइंस की तरफ। जी दोस्तों, तो हम आगे, मैंने आपको बोला था आज आपको मैं डिफरेंट टाइप्स के लाइंस दिखाऊँगा। तो हम आगे अब वाइट लाइन की तरफ, ये वाइट लाइन है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत लाइन है ये। हेलो बेबी, माशाल्लाह ये तेम है, खूबसूरत तेम है माशाल्लाह, ये देखें। ये देखें गाइस, ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, वाइट एक रेयर नस्ल है, वैसे भी ब्रीड है, तो माशाल्लाह खूबसूरत लगती है, अच्छी चीज़ है ये भी, मुझे खुद बड़े पसंद है। इंशाल्लाह हमारा भी नेक्स्ट मिशन यही है कि हम वाइट लेंगे या फिर बंगाल लेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह इनके पास दो हैं भाई के पास फार्म पर, एक वो और एक ये है। माशाल्लाह ये भी टेम है, काफ़ी अच्छे टेम है। वैसे तो इंसान अपनी चीज़ के पास हो तो ज़्यादा डर नहीं लगता, पर जब किसी और की चीज़ के पास आता है तो डर ज़रूर लगता है। पर माशाल्लाह बहुत अच्छे टेम की हूँ मैं, देखे मैं आपके सामने गया हूँ, पहली बार ही गया हूँ, पर ये एक हाथ लगाने दे रहे हैं। अगर हमारी मलका होती और कोई से हाथ लगा लेता वर्गीज़, मलका ने तो ये काम करने नहीं था देना, मलका हाथ नहीं लगाने देती दोस्तों, पर इसने माशाल्लाह हाथ लगाने दिया, मतलब कि अच्छे टेम है। तो आए हम आगे चलते हैं, आपको मजीद दिखाते हैं इनके साथ खेलते हुए। आइन खेल रहे ना मेरे साथ, माशाल्लाह बहुत अच्छा टेम है, हमारी मलका की तरह तो नहीं है, मलका तो बहुत ज़्यादा तंग करने लग पड़ती है।
पर ये माशाल्लाह तंग कम करता है, ये खेलता है ज़्यादा, बहुत अच्छा है माशाल्लाह, टेम भी फुल है। ये लाइन है बहुत खूबसूरत माशाल्लाह टेम हुआ है। तो पर फिर भी एहतियात ज़रूरी होती है, मैं बार बार ये कहता होता हूँ अपने व्यूअर्स को, अपने देखने वालों को कि गाइस एहतियात करें, जितना कर सकते हैं करें, क्योंकि ये एक एनिमल है, एनिमल हमेशा एनिमल ही रहता है। हेलो, हाँ रिलैक्स, अब बैठा सही, अब आओ इधर बैठ बैठ बैठ। पर इसका कोई पता नहीं चलता दोस्तों कि कब अटैक करते हैं, क्या करते हैं, पर फिर भी एहतियात करते हैं। पर इंशाल्लाह कुछ नहीं कहता, उम्मीद तो यही है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत टेम किया हुआ है, इंशाल्लाह हमने मलका को भी ऐसा टेम किया, पर मजीद टेम करेंगे कि वो हमें कभी कुछ ना कहा करे। हेलो जी गाइस, तो अब हम इसके बाद चलते हैं थोड़ा सा आगे, फिर आपको बाकी लाइन्स भी दिखाता हूँ, स्टॉप कर लीजिए भैया। ले गाइस, तो अब हम आ गए हैं अफ्रीकन लाइन्स की तरफ। ये भी माशाल्लाह खूबसूरत हैं, अच्छे टेम तो नहीं मुझे पता किए कि नहीं किए, वाइल्ड लाइन्स माशाल्लाह टेम तो मैंने आपको दिखाया। तो अब हम आ गए हैं, इनको देख लेते हैं माशाल्लाह। अगर आप देखेंगे तो आपको नीचे बैठे नजर आएंगे माशाल्लाह। एक मेल और एक फीमेल है, पेयर है, ये दोनों भी बहुत खूबसूरत हैं। अब टेम का तो नहीं पता गाइस, मैं तो नहीं करीब जाने वाला, आपने जाना तो आ जाए मेरे पास, आप चले जाएँ, पर मैं नहीं जाने वाला। माशाल्लाह मेल है भाई का, बहुत खूबसूरत है और बिगेस्ट भी है, काफ़ी बड़ा लाइन है, खूबसूरत भी है। क्या कर रही है कि टेम है, हम चेक कर लेते हैं गाइस इसे भी, अगर आप करीब आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना टेम है। फिर भी डर तो लगता है ना दोस्तों, हाथी गाते हुए लग रहा है माशाल्लाह कि टेम ही है, अच्छा लग रहा है माशाल्लाह टेम है। फिर भी हम हाथी गा लिया है कि आप ये ना समझे कि उम्र भाई बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, इतना डर नहीं लगता, पर फिर भी मैं कह रहा हूँ एहतियात ज़रूरी है, क्योंकि वो वाइल्ड लाइन है तो मेरे थोड़ा सा कपड़ा है, मेरे चोट फाड़ भी है, खैर वो इतना बर्दाश्त करना पड़ता है हमें, फिर भी काम चलता है। अक्सर फट जाते हैं, बहुत ज़्यादा फटे हुए, एक दो तो नहीं फटे खैर, तो माशाल्लाह ये भी अच्छा टेम है गाइस। तो अब आपको मैंने पाम जूल काफ़ी हद तक करवा दी है, वो लाइनस है, वो आसफ भाई ने मैंने जूता पकड़ लिया एक लड़के का, तो आसफ भाई से छुड़वा रहे हैं, वो थोड़ी सैमी टेम है, हम उसके पास नहीं जा रहे हैं माशाल्लाह। लाइन बहुत अच्छा टेम है, देखे आसफ भाई के साथ भी खेल है। तो मेरा ख्याल है कि अब इंशाल्लाह हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तो इजाज़त है अपने भाई उमर को, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ, शुक्रिया।